तो आज हम करने वाले हैं एक फ्लैग कैसे बनाते हैं। मान लो आपको एक इंडियन फ्लैग बनाना है और जैसे विंड चलती है, जैसे वो हिलता है, उस तरीके का इफेक्ट हम फ्लैग में कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मॉडलिंग करते हैं फ्लैग को। फ्लैग का मॉडलिंग करना थोड़ा इजी है, कोई ज्यादा बड़ा खेल नहीं है उसमें। हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे। सिलेंडर हम ले रहे हैं किस चीज के लिए, पोल के लिए। मान लो मैंने जितना भी है यहाँ पे, मान लो मैंने 2 इंच का रेडियस रखा, ठीक है, और मैंने इसको 2 इंच का रखा यहाँ पे, ओके। और हाइट को मैंने कर दिया यहाँ पे मान लो 10 फीट, या फिर 10 फीट नहीं, जो भी 15 फीट के अराउंड मैंने हाइट कर दी, ठीक है। अब उसके बाद इसका बेस बनाना होता है, तो मैं यहाँ पे टॉप पे जाऊंगा, इसको मैं सिलेक्ट करके मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। बिल्कुल बेस के लिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा से एक सिलेंडर ही ले लेता हूँ। फ्रंट पे गया, ये मेरा सिलेंडर है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा साइड के सेगमेंट बढ़ा देता हूँ ताकि स्मूथनेस आए। और इसकी हाइट को मैं करता हूँ, मान लो मैं 1-1 फिट ले रहा हूँ, नहीं 1 फिट तो ज्यादा हो जाएगा, 6 इंचेस के स्टेप ले रहा हूँ। मान लो एक स्टेप मैंने यहाँ पे लिया और मैंने इसको नीचे रख दिया, और रेडियस मान लो मैंने कर दिया यहाँ पे 2 फिट के अराउंड, ये ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको नीचे की तरफ कॉपी किया और 2 कॉपी कर लिया। एक को मैंने कर दिया, अब ये 2 फिट था, इसको कर देता हूँ 3 फिट रेडियस, और इसको कर देता हूँ 4 फिट रेडियस। ऐसे स्टेप बनते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब टॉप पे होता है, एक टॉप के लिए मैं यहाँ पे एक स्फीयर ले लेता हूँ और ऑटो ग्रिड ऑन करके यहाँ पे एक स्फीयर बना देता हूँ कुछ ऐसे। स्फीयर का जो मैं रेडियस करता हूँ वो कर देता हूँ 2 इंचेस का, क्योंकि सेम नीचे वाला कर देता हूँ। और इसको मैं बना देता हूँ 0.5 हेमिस्फीयर, और फ्रंट पे जाके इसके मैं 0-0 पे रख देता हूँ ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए बिल्कुल इसके ऊपर, क्लियर है। अब फ्लैग चाहिए, तो फ्लैग के लिए मैं क्या करूंगा, प्लेन ले लेता हूँ, एक ऑटो ग्रिड ऑफ, और ये फ्लैग के लिए मैंने एक प्लेन ले लिया, ये मेरे को फ्लैग चाहिए, क्लियर है इतना, ओके। अब इसको मेरे को क्लॉथ बनाना है, तो इसके मैं क्या बढ़ा दूं, सेगमेंट्स, ये मैंने सेगमेंट्स यहाँ पे इंक्रीज किए, ठीक है। अब मेरी मॉडलिंग यहाँ पे हो गई, दूसरा काम क्या रहेगा, दूसरा काम रहेगा टेक्सचर डालना। मटेरियल पे जाता हूं, एक मटेरियल तो मैं प्रोवाइड कर देता हूं, मान लो इनको, इसको मैंने दे दिया, ये वाला मटेरियल मैंने दे दिया, ठीक है। स्टेप को मैं अलग अलग दे सकता हूं, मान लो कोई भी स्टेप का मटेरियल हो सकता है, ठीक है, या फिर ये इसको भी मैं स्टेप को कोई और कोई भी कलर में दे सकता हूँ। यहाँ पे मान लो मैं इसको रेड दे रहा हूं, या कोई भी, या मैं तीनों को ग्रेश कर देता हूँ, दिस वन, सेकंड वाले को थोड़ा डार्क ग्रे। ये कलर तो आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, ये तो मैं नॉर्मल एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। थर्ड वन को मैं थोड़ा सा और डार्क, ठीक है, ये मान लो मैंने शेड दी, और इसको मैं शेड देता हूँ थोड़ा सा ब्लैकिश या कुछ इस तरीके का, वाइट का, ठीक है। अब इसको जो टेक्सचर देना है, मैं चाहता हूँ इंडियन फ्लैग वाला टेक्सचर दो, तो मैंने यहाँ पे गया गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इंडियन फ्लैग टेक्सचर, ठीक है। इमेज पे जाओ, कोई प्लेन टेक्सचर जैसे ये है, ये वाला टेक्सचर मान लो मैं राइट क्लिक करके सेव कर देता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको जाओ यहाँ पे, इस वाले पे क्लिक किया और बिटमैप पे क्लिक किया, और मैं यहाँ पे ये वाला टेक्सचर ले लेता हूँ ओपन, और इस वाले टेक्सचर को मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ शो शेडेड मटीरियल, क्लियर है इतना, ठीक है, बस इतना काम हो गया। अब इसको मेरे को बनाना है क्लॉथ, बट क्लॉथ से विंड तो नहीं चलेगी ना, विंड चलाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे, इस पे जाओगे आप स्पेस रैप्स पे, अच्छा, यहाँ पे मिलेगा विंड, अच्छा, क्लिक ऑन विंड और यहाँ पे क्लिक कर दो ऐसे ड्रैग करके कि मैंने एक यहाँ पे वो बना दिया। फ्रंट पे जाओ, इसको मैं ऊपर करता हूँ और इसको रोटेट कर देता हूँ एंगल स्नैप ऑन करके 90 डिग्री पे, कि मेरे को इस साइड विंड चाहिए, क्लियर है, ठीक है। अब इस विंड की अगर प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो विंड की स्ट्रेंथ होती है कि कितनी स्ट्रेंथ से आपको विंड चाहिए,
ठीक है, बट ये हम डिपेंड करता है कि हमें जब क्लॉथ मॉडिफायर लगाएंगे तब ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो उसके लिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ फ्लैग पे, और इसको मॉडिफायर लगाता हूँ क्लॉथ। क्लॉथ मैंने लगाया, अब सबसे पहले तो मेरे को चाहिए कि ये इस पोल से टाइड रहे बिल्कुल। तो ग्रुप करके नोड मैं क्या करके करूंगा, ग्रुप 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 में इनको सिलेक्ट पॉइंट। कर लूंगा इतने पार्ट को, हाँ और इस पे क्या लगा दूंगा, मेक ग्रुप, नोड। और नोड लगा दूंगा इस पे। ये लग गया नोड टू सिलेंडर, इतना काम हो गया। क्लॉथ पे जाओ, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे जाओ, और प्लेन को हम क्लॉथ बना देंगे, और क्लॉथ को मान लो मैं सेटिनी कर देता हूँ एंड ओके। और इतना काम होने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लॉथ फोर्स। क्लॉथ फोर्स पे क्लिक करो, अब जो हमने विंड लगाया था तो यहाँ पे आ रहा है, इस पे क्लिक करो और इस पे क्लिक कर दो ड्रैग पे, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका फोर्स इन सिमुलेशन। सीन में जो जो फोर्स अब यहाँ पे दिखेंगे और वही फोर्स सिमुलेशन में देखने हैं, तो आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, एंड कर दो ओके। अब आप रेडी हो, बिल्कुल क्लियर है। अब और ये आप इसके इसके साथ साथ ग्रेविटी भी ऐड कर रहे हैं ना उसमें। ग्रेविटी तो अपने आप ही ले रहा है ना, यहाँ पे हाँ ग्रेविटी तो अपने आप ले रहा है, वो तो रहेगा ही। अब हाँ मैं यहाँ पे सिमुलेट कर देता हूँ लोकल, जैसे मैं सिमुलेट करता हूँ कपड़े की तरह रिएक्ट करेगा और विंड अपना काम करेगा। अब ये कम विंड है तो आप इस पे क्लिक करके विंड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दो, अब ये विंड चलेगी और इस तरीके से आपका ये फ्लैग रिएक्ट करेगा। और बढ़ा दो जितना आपको चाहिए, अब चल रहा है ऐसे। इस तरीके से आप यहाँ पे विंड की स्ट्रेंथ डाल सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है कि फ्लैग में ही काम आएगा, जब आप एनिमेशन का काम करते हो कर्टन जैसे आपके कर्टेन वगैरह हैं को उड़ाने के लिए उड़ाने के लगाना। लिए, तो हल्का फुल्का आप लगा सकते हो, या कहीं पे भी जहां पे आपको लगे कि इस तरीके से जैसे बिल्कुल ही रियल बनाना है, तो जैसे बाहर कपड़े सूखते हैं उस पे विंड चलाने के लिए, तो आप इस तरीके से इसका काम कर सकते हो, समझ करेक्ट। रहे हो। ये आपका इस तरीके से आपका सिमुलेट चलेगा। अगर आपको वीडियो बनानी है, करेक्ट। इसकी एक वीडियो बनानी है मान लो फ्लैग की, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मान लो मैंने इस पे क्लिक किया, सिमुलेट को हटाया और मैंने कर दिया अंडू, ठीक है। अंडू करने के बाद अगर मैं ग्रुप पे देखता हूँ, ग्रुप लगी हुई है नोड पे, अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट फोर्स है मेरा विंड का, ठीक है, स्ट्रेंथ मैंने सही ले ली। अब सिमुलेट लोकल नहीं करूंगा, मैं सिमुलेट कर दूंगा ताकि मेरी एक वीडियो रिकॉर्ड हो। अब मैं अगर यहाँ पे सिमुलेट करता हूँ तो ये सिमुलेट करेगा, विंड चलेगी और इस चीज को वो रिकॉर्ड करेगा। अब इससे क्या हुआ, नहीं रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं होगी, इससे क्या हुआ कि आप किसी भी पोजीशन पे रख सकते हो, ठीक है। बट अगर हमें इसकी वीडियो बनानी है, अब मैं अगर इसका रेंडर निकालता हूं तो रेंडर सेटअप में जाके मैं एक काम करता हूँ, वीरे को हटा के मैं नॉर्मल स्कैन लाइन कर लेता हूँ। अगर मैं अब रेंडर निकालता हूं तो ये एक नॉर्मल रेंडर निकलता है, ठीक है। अब मेरे को सिंपल एक फ्रेम का रेंडर नहीं निकालना, अब ये देखो फ्रेम नंबर 57 का रेंडर निकाला है इसने, जहां पे ये है 57 पे, मेरे को चाहिए कंप्लीट का। तो यहां पे एक ऑप्शन होता है टाइम आउटपुट, यहां पे है सिंगल फ्रेम, अगर मैं कर दूं एक्टिव टाइम सेगमेंट, अब रेंडर निकालूं तो वो जीरो से स्टार्ट करेगा रेंडर निकालना, ये जो टाइमलाइन ये चल रही है यहाँ पे, ठीक है। पहले तो वो आपको करनी है टाइमलाइन कंप्लीट, और फिर 0 to 100 टाइमलाइन का पूरा वो रेंडर निकालेगा। देखो यहाँ पे फ्रेम आपको शो हो रहे हैं, एवरी फ्रेम का वो रेंडर निकालेगा, वीडियो आउटपुट देगा वो। तो वो एक एज ए वीडियो आउटपुट देगा। बट इससे पहले एक और चीज करनी थी, देखते हैं अभी हो जाएगी। अगर मैं इसको सेव करता हूं, मान लो फ्लैग के नाम से, और यहां से मैं क्लिक करके इसको कर देता हूं एवीआई AVI फॉर्मेट एंड सेव। यहाँ पे है वीडियो रिकॉर्डर, DV वीडियो रिकॉर्डर, तो आप यहाँ पे सेम रख सकते हो, कोई भी वीडियो रिकॉर्डर जहां पे आपका यूज हो वो रख सकते हो, एंड ओके। इंटरनल एरर समथिंग, रिट्राई रिट्राई, 1 सेकेंड। हम एक काम करते हैं, इसको सेव करने के लिए अब दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करना है एक्टिव टाइम सेगमेंट 0 to 100, और इस फाइल को मैं सेव कहाँ पे करना चाहता हूँ, उसके लिए नीचे आओ, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रेंडर आउटपुट, फाइल पे क्लिक करो, कहाँ पे सेव करना है। मान लो मैंने कर दिया कि मेरे को डेस्कटॉप पे सेव करना है, किस नाम से करना है, मान लो मैंने कर दिया फ्लैग के नाम से सेव करना है, और AVI फॉर्मेट में सेव करना है, एंड सेव।
वीडियो रिकॉर्डर मैं यहाँ पे यही वाला यूज करता हूँ मान लो, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे रेंडर करूंगा 0 to 100 फ्रेम का, तो वो डेस्कटॉप पे AVI फॉर्मेट पे सेव हो जाएगा। अभी देखते हैं। और हम लोग ने वीरे मटेरियल यूज करके वो जो स्कैनलाइन लिया रेंडर और चलता है वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, क्योंकि वीरे मटेरियल के बाद हमें क्या करना था, सारी चीजें फिर लगानी थी ना, कैमरा वैमरा सारी चीजें। अभी तो मैं विदाउट कैमरा वर्क कर रहा हूँ इस पे, तो फिर भी आ रहा है रेंडर ना। हाँ फिर भी आ रहा है, हाँ आता नहीं ना मोस्टली वो। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हो गया, अब देखते हैं इसने सेव किया क्या फाइल को डेस्कटॉप पे। फ्लैग के नाम से ये रहा ना फ्लैग, हाँ ये देखो हो गया सेव। ओके, इतना फास्ट क्यों दिखा रहा है ये? 4 सेकंड की वीडियो बनी ना, 100 फ्रेम है। अच्छा, अब 100 फ्रेम है, 4 सेकंड की वीडियो बनी। अगर वीडियो आपको इंक्रीज करनी है, टाइमिंग इंक्रीज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एनिमेशन के साथ यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा फ्रेम। अभी ये चीज हाँ, ये बराबर फ्लैग कैसे बनेगा, फिर मटेरियल जो भी आपको लगाना है कैमरे वगैरह के साथ करोगे तो बहुत अच्छा इसका रेंडर इफेक्ट आएगा। ओके क्लियर है? ये तो नॉर्मली मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है।